नमस्कार उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ इन नम्बर वन न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँको साथमा छु म आनन्द छेत्री। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। न्यूज प्रस्तुतकर्ता अपोलो क्लिनिक सेवक रोड सिलगढी। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी सोमबारदेखि उत्तर बंगाल भ्रमणमा। सिक्किम प्रगति भीत फोरमको गान्तोक चलो यात्रा सुरु। अब आबिबको आयोजनामा सांस्कृतिक सचेतना शिविर सम्पन्न। कालचिनीमा अवैध सालको काठ उद्धार। कुचबिहारमा तीन दिन व्यापी तोर्सा साहित्य पुस्तक मेलाको आयोजना गरिने। बद्रीनारायण प्रधानको 92 जन्म जयन्ती पालन। माल्लामा हुने भाजपाको जनसभा स्थलको परिदर्शन। फेरि चितुवाको छाला सहित 5 जना तस्कर पक्राउ। सोनादामा निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर। परिवर्तन फुटबल कप दार्जिलिङ फाइनलमा। प्लेइङ 7 नेपाल च्याम्पियन। अब समाचार विस्तारमा। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी 3 दिने उत्तर बङ्गाल भ्रमणमा सोमबार आइरहेकी छिन्। तिनले सोमबार सिलगढीमा उत्तर बङ्गाल उत्सवको उद्घाटन गर्नका साथै सपना बर्मन लगायत 9 जना व्यक्तिलाई बङ्गाल रत्नले सम्मानित गर्ने भएकी छिन्। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले सोमबार सिलगढी स्थित कञ्चनजङ्घा स्टेडियममा उत्तर बङ्गाल उत्सवको उद्घाटन गर्ने छिन्। यसको साथै तिनले एसियन गेम्समा स्वर्ण पदक जित्ने जलपाइगुडीको स्वप्न बर्मन लगायत 9 जना व्यक्तिलाई पनि बङ्गरत्न अवार्डले सम्मानित गर्ने छिन्। यिनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेर सम्पूर्ण बङ्गालको नाम रोशन गरेको छ। यसमा दार्जिलिङ अनि जलपाइगुडी जिल्लाबाट पनि 2-2 जनालाई बङ्गाल रत्न सम्मान प्रदान गरिनेछ। सोमबारदेखि सुरु हुने उत्तर बङ्गाल उत्सव 3 फरवरीसम्म विभिन्न जिल्लाहरूमा चल्नेछ। उक्त उत्सवमा उत्तर बङ्गालका सबै जिल्लामा शिक्षा खेल सांस्कृतिक कार्यक्रममा आधारित प्रतियोगिताहरू आयोजित गरिनेछ। उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्रीले 100 जना मेधावी विद्यार्थीहरूलाई 10-10 हजार रुपियाँको आर्थिक सहायता पनि प्रदान गर्ने भएकी छन्। आजके उत्तरबङ्गवासीको सेट ऐतिहासिक दिन प्रतिवर्षै दिनटा आसे। माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमती মমতা ব্যানার্জী তিনি এই উত্তরবঙ্গ উৎসবের সূচনা করেছিলেন প্রথম দিন থেকেই, এবং আজকেও তিনি এই উত্তরবঙ্গ উৎসবের শুভ সূচনা করবেন। এখানে 1000 মেয়ে বাংলা ভাইয়া নেপালি আদিবাসী বিভিন্ন নৃত্যের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বরণ করে নেবেন। 8 জন বঙ্গরত্ন প্রাপককে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে বঙ্গরত্ন পুরস্কার তুলে দেবেন, এবং 10 জন মেরিটিয়াস স্টুডেন্টস তাদের হাতেও তাদের পুরস্কার তুলে দেবেন। তার বক্তব্য তিনি রাখবেন। রাখার পরে এই কর্মসূচি শেষ করার পরে আজকেই তার পাহাড়ে যাবার কথাও রয়েছে। अर्कोतिर राज्यका सरकारी अस्पतालहरूमा विशेष गरेर पश्चिम जिल्लाको गेजिङ जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा र चिकित्सा उपकरणहरूको माग गर्दै गैर सरकारी सङ्गठन सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमको गान्तोक चलो यात्रा गेजिङदेखि आरम्भ भइसकेको छ। गेजिङ बजारमा फोरमका युवाहरूले जोशपूर्ण नारा लगाएर यात्रा सुरु गरे। यो यात्रा 3 दिनपछि राजधानी गान्तोक पुगेर समाप्त हुनेछ भने गान्तोकमा सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूलाई भेटेर आफ्नो माग पूर्ण दोहोऱ्याउने फोरमको कार्यक्रम रहेको छ। उल्लेखनीय छ, पछिल्लो लगभग 1 वर्षदेखि सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमले गेजिङ जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य सुविधा र चिकित्सा उपकरणको कमीलाई लिएर सरकार अनि सम्बन्धित विभाग समक्ष आवाज उठाउँदै आएको छ। यसबीच फोरमले विभागलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनुको साथै र्याली एवं धरना प्रदर्शनी पनि गरिसकेको छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्री ए.के. घतानीले 3 महिनामा सबै माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको, तर तोकेको समय पूरा हुँदा पनि कुनै ठोस पहल नभएपछि फोरमले यो गान्तोक चोलो यात्रा आयोजना गरेको हो। यसपल्ट भने फोरमले राज्यभरिका सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सुधारको माग पनि थपेको छ। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदको आयोजनामा अलिपुरद्वार जिल्लाको फालाकाटा खण्ड अधीनस्थ दक्षिण देव गाउँमा नयाँ वर्ष 2019 स्वागत जनाउँदै आदिवासी सांस्कृतिक औ सामाजिक चेतना शिविर कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।
उक्त कार्यक्रम बारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद को राज्य कमिटी सदस्य विनय मुर्मूले जानकारी दिए। नयाँ वर्ष 2019 को उपलक्ष्य में पारंपरिक आदिवासी खेलकूद धनुकार लगायत अन्य खेलकूद प्रतियोगिता पनि सम्पन्न गरिएको थियो। आदिवासी को सांस्कृतिक औ सामाजिक विकास गर्नलाई शिक्षा तर्फ अग्रसर हुनुपर्ने विषय में उपस्थित वक्ताहरूले आफ्नो विचार राखेको विनय मुर्मूले जनाएका छन्। सांस्कृतिक अनुष्ठान है और खेलकूद भी रखा गया था और हो भी गया अभी तक और बहुत सारे खेल होगा फिर सरकार के पास कुछ रखेंगे। हाँ, इसके बारे से हम सरकार के पास बहुत कुछ डिमांड रखेंगे और हमारा कोशिश रहेगा कि आने वाला दिन में और अच्छा से करेंगे। ब्लॉक है दक्षिण देवगांव अंचल में, जो यहाँ का लड़का लोग जो अंचल यूनिट से ये कार्यक्रम कर रहा है ये लोग, क्योंकि यहाँ का डेवलप के लिए जो आज का मेन उद्देश्य है हम लोग का, जो डेवलप, जो हम लोग का आदिवासी समाज इतना पीछे पड़ा हुआ है, जो उस पीछे पड़ा हुआ जो कैसे डेवलप करे, तो इसके विषय लेके आज हम लोग यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वहाँ पे जो आदिवासी संस्कृति कल्चरल एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब सचेतना शिविर, क्योंकि हम लोग को अभी भी ये सचेतना बहुत पीछे पड़ा हुआ है हम लोग, तो हमारा आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम रखे हैं। पाना रेंज का वन कर्मीले अभियान चलाएर कालचिनी को गोदाम लाइन इलाकाबाट अवैध साल को काठ उद्धार गरेको छ। गोप्य सूचनाको आधारमा पाना रेन्जका वन कर्मीहरूले अभियान चलाएर कालचिनी गोदाम लाइन इलाकामा बक्सा जंगलबाट मूल्यवान साल काठ चोरी गरेर साइकलमा लादेर लगिरहेको समय उक्त अवैध काठ उद्धार गरे। घटनास्थलबाट उक्त तस्करहरूले सुईकुच्चा ठोकेको बताएको छ। उद्धार गरिएको लगभग 10 सीएफटी काठ पाना रेन्जमा लगिएको बताइएको छ। आगामी 25 जनवरीदेखि कुचबिहार जिल्लामा 3 दिन व्यापी तोर्सा साहित्य पुस्तक मेलाको आयोजना गरिने भएको छ। उक्त 3 दिन व्यापी मेला आगामी 27 जनवरीसम्म चल्नेछ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर संस्थाका सदस्यहरूले प्रत्येक वर्षको तुलनामा यस वर्ष मेला केही भिन्न प्रकारको रहेको जानकारी दिए। बङ्गलादेशबाट 17 दोकानले यसमा आफ्नो स्टल लगाउनका साथै 3 दिन व्यापी मेलामा विभिन्न कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गरिने भएको छ। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছি এবার স্কুল ওয়াইজ, সেখান থেকে সব প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাগুলো আসছে, প্রত্যেকটা স্কুলেই চিঠি দেওয়া হয়েছে। আর এবার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আমরা এবার সবাইকে আমাদের যে স্লোগানটা রয়েছে যে অতিথি নয় আসুন আপনজন হয়ে আমাদের ভরসা হয়ে, সেটাই আমাদের স্লোগান। আর প্রতি বছরের মতো এবছর ওই লিটিল ম্যাগাজিন মেলায় আমরা যতজন সম্পাদকরা আসছেন তাদের প্রত্যেকে থাকবার এবং খাবার ব্যবস্থা, খাবার বলতে সকালে লাঞ্চ, সকালের ব্রেকফাস্ট, দুপুরে লাঞ্চ, বিকেলে টিফিন, রাতে ডিনার, সমস্ত ব্যবস্থা আমরা করছি। এছাড়াও রয়েছে কবিতা পাঠের আসর রয়েছে, সরস্বতী কবিতা পাঠের আসর, কবিতা আমাদের কোচবিহারের কবিদের জন্য, আলোচনা সভা রয়েছে, বিশ্বায়ন ও সাহিত্যের ভর কেন্দ্রের উলটপালট, লিটিল ম্যাগাজিন, যৌথ লড়াই থেকে একক প্রয়াসের যাত্রা এবং বাংলা সাহিত্যে অমিয় ভূষণের প্রাসঙ্গিকতা, এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা বিষয় থাকছে। এই হচ্ছে আমাদের এবারের পঞ্চম বর্ষ আন্তর্জাতিক লিটিল ম্যাগাজিন মেলা। আমরা আমাদের তোষা সাহিত্য সংস্থার পক্ষ থেকে সকলকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনারা আসুন, লিটিল ম্যাগাজিনের স্বার্থে, বাংলা সাহিত্যের স্বার্থে আমরা লিটিল ম্যাগাজিনকে আরও উন্নত শিখরে পড়ে নিয়ে চলে যেতে পারি, যাতে এই লিটিল ম্যাগাজিনের আন্দোলনকে আমরা সার্থক একটা রূপ যেন দিতে পারি, এই আশা রাখছি। সবাই আসুন, অতিথি নয় আপনজন হয়ে ভরসা হয়ে। সমাচারকো কম্মা আইলিলা পালু ভাইকো ছ ছোট বিশ্রামকো। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। तो बेहुनरों से बचिए और हुनरमंद को ही काम दीजिए। फोटोज एंड वीडियोस आर मेमोरीज फॉर लाइफ, लीव इट फॉर प्रोफेशनल्स। फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कॉन्टैक्ट समानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस। मोबाइल नंबर 9434023813। के भयो रे? अस्ति मात्रै किनेको जुत्ता फेरि फटाए? कति किन्दिनु उसलाई त जुत्ता पनि फटाइ त हाल्छ। मैले तिमीलाई अस्ति भनेको नि डक्टर फुटको स्कुल जुत्ता किन्देऊ भनेर, तर तिमी मानेनौ। हजुर, डाक्टर फुट सुविधायुक्त, टिकाउ अनि नचिप्लिने पनि। विषमपछि अब रहल बाँकी समाचार। डुवर्सको बाख्राकोट भानु मैदान स्थित सामुदायिक भवनमा सम्पन्न विशेष समारोह बीच
भारतीय नेपाली साहित्यका प्रतिभावान श्रेष्ठ बद्रीनारायण प्रधानको 92 जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा यस वर्षको 8 बद्रीनारायण प्रधान स्मृति पुरस्कारद्वारा नेपाली साहित्य जगतकै सशक्त नारीवादी उपन्यासकार एवं चिन्तनशील बौद्धिक श्रेष्ठ श्रीमती पुष्पा राईलाई अर्पण गरियो। सिक्किम विधानसभाका अध्यक्ष केएन राईको प्रमुख आतिथ्य एवं साहित्यकार एडन रोङगोङको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त समारोहमा पुष्प राईलाई पुरस्कार स्वरूप 15,001 रुपियाँ र स्मृति चिन्ह प्रदान गरियो। बद्रीनारायण स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सिक्किमका समालोचक पेम्बा तामाङ, मूर्धन्य साहित्यकार नरबहादुर दाहाल, मनप्रसाद सुब्बा, इन्द्रमणि दर्नाल, मातृका गजमेर, डाक्टर मोहन पी दाहाल, प्राध्यापक सञ्जय वान्तवा आदि वरिष्ठ साहित्यकारहरू अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। उक्त समारोहमा सिक्किम, दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक, कालेबुङ, सिलगढी र डुवर्सका साहित्यकारहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा बद्रीनारायण प्रधान स्मृति प्रतिष्ठानको पक्षबाट अतिथिहरूलाई स्मृति चिन्ह प्रदान गरी सम्मान जनाइयो। भाजपा राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाह र उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ आउन अघि राज्य भाजपा युवा मोर्चाको महासचिव मिठु दास, मालदा जिल्ला भाजपा अध्यक्ष, युवा मोर्चा जिल्ला अध्यक्ष शिवशङ्कर पोदार लगायत पार्टीका अन्य सदस्यहरूले मालदाको जनसभा स्थलको परिदर्शन गरे। अर्कोतिर बेलाकोबा रेन्जको वन विभाग अधिकारीले अभियान चलाएर गजलडोबा इलाकाबाट फेरि चितुवाको छालासहित 5 तस्करलाई पक्राउ गरेको छ। बेलाकोवाको रेन्जर सञ्जय दत्तले बताएअनुसार केही मानिसहरूले गोरुमारा जङ्गलबाट चितुवाको हत्या गरेर त्यसको छाला नेपाल तस्करी गर्ने उद्देश्यले लगिरहेको गोप्य सुईको पाए। गोप्य सूचनाको आधारमा डिएफओ उमा रानीको नेतृत्वमा आइतबार बेलाकोवा रेन्जका वन विभागका अधिकारीहरूले अभियान चलाएर गजलडोबा इलाकाबाट चितुवाको छाला सहित 5 व्यक्तिलाई पक्राउ गरे। पक्रा परेका आरोपी सबै डुवर्सको नगरकटा तथा लाटागुरी निवासी क्रमैले विकास राई, रञ्जित महन्त, सञ्जय अधिकारी, मोहन मुन्डा, किशनगञ्ज तामाङको रूपमा चिन्हित भएको सम्बन्धित विभागले जनाएको छ। यी 5 आरोपीहरूले 10 फुट लामो चितुवाको छाला नेपालमा 10,00,000 रुपियाँमा बेच्ने उद्देश्यले लगिएको बताएको छ। गोपन सूत्र खबर छ जे किछु लोक आबार सेही नेपाल स्किन पाचार गर्छ। তো আমরা এন উমারানির নির্দেশে একটা প্রোগ্রাম করি, আমরা দিয়ে ম্যাডামের নির্দেশে এরা নিজেদের মধ্যে একটা গ্রুপ তৈরি করে এরা একটা বাঘের চামড়া নেপালে বিক্রি করবে। তো আমরা সিক্রেট এজেন্সির মাধ্যমে খবর পাই, সিক্রেট যে আমার ইনফরমার যে আছে খবর পাই এবং আমরা নিজেরাই সিক্রেট এজেন্সি হয়ে যাই এবং এদের সাথে বার্গেনিং করি। এরা বার্গেনিং করে এদের সাথে আমাদের শুরু হয় যে 12,00,000 টাকায় এরা এই লেপার্ড স্কিনটাকে উদলাবাড়ির সাইডে নিয়ে আসবে এবং তারা সেল করবে। এবং বেসিক্যালি ইন্টারেস্টেড হই বেশি আরও যেটা লোকাল ছেলে সব এই বিসাইড গরুমারা লাটাগুড়ি এলাকায় বাসিন্দা এরা, তো এরা কাউকে উদলাবাড়ির সাইডে যখন আসে তখন আমরা এদের 5 রেডহ্যান্ডেড ধরি। এদের সাথে বাইক ছিল, বাইকে করে নিয়ে আসে এবং এদেরকে সেটা সদ্যজাত মারা মানে খুব বেশি হলে সেভেন ডেজ হবে একটা আমরা লেপার্ড স্কিন পাই এবং হলুদ দিয়ে ইয়ে করা ওটাকে ট্যান যাতে করা যায় যে ওটাকে সেইভাবে ওরা মেরেছে তো ট্যান যাতে করা যায় সেই হলুদ দিয়ে মোড়ানো আছে। তো সেটাকে আমরা ধরি, এটা 7 হবে। আমরা ইন্টারগ্রেশন করি, এটা জানতে পারি যে এটা ডুয়ার্স এলাকার কোনো জঙ্গলে যেটা যেই জঙ্গলে গিয়ে এরা জঙ্গলের ভিতরে ফাঁক পেতে এই ম্যাচিওর পূর্ণবয়স্ক একদম লেপার্ড যেটা 10 ফুট লেন্থ সেই 10 ফুট লেন্থের লেপারটিকে মেরেছে, মেরে তার চামড়াটাকে বিক্রি করার জন্য রেখেছে। আর বাদ বাকি তারা বলেছে যে তাদের এলাকায় যে এলাকায় তারা বাসিন্দা সেখানে মাংস এবং তারা খেয়ে নিয়েছে। সেবা নেই ধর্ম হো ভন্নে বিচার লিয়ে অগি বড় আইতবারকো দিন সোনাদা অবস্থিত নৌলিচর পাইনারিস পাঠশালামা দার্জিলিং সেবা সংস্থান অনে আকাশ স্বনির্ভর দল নালিচর দ্বারা নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য যাঁচ শিবিরক আয়োজন গরিও। स्थानीय पाइन रिज अङ्ग्रेजी विद्यालयको नाली चौरको प्राङ्गणमा भएको शिविरमा सिलगढी निजी अस्पताल सनराइजबाट आएका डाक्टर तापस, डाक्टर अनुप अनि तिनको सहयोगीहरूले लगभग 150 रोगीहरूको आँखा, दाँत तथा शारीरिक विभिन्न रोगहरूको जाँच गरेपछि निशुल्क औषधिहरू वितरण गरे। सेवामूलक कामको निम्ति नै संस्था खोलेकोले आफूहरू सेवामूलक काम गर्दा आनन्द लाग्ने गरेको संस्थाकी संयोजिका शशी योञ्जनले बताइन्। कार्यक्रममा स्वास्थ्य शिविरपछि संस्थाको सदस्य बुनु सार्कीको प्रायोजन तथा संस्थाको सहयोगमा गाउँका आर्थिक रूपले कमजोर मोड 20 परिवारलाई खाद्य सामग्री साथै लगभग 150 जनालाई लुगा वितरण गरियो। दार्जिलिङ जिल्लाको बिजनबारी लामागाउँ वेलफेयर सोसाइटीद्वारा आयोजित लामागाउँ गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा परिवर्तन फुटबल क्लब दार्जिलिङ फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
एसके लाइफ इलेक्ट्रोनिक मिडिया पार्टनर रहेको उक्त खेलमा दार्जिलिङ परिवर्तन फुटबल क्लब फाइनलमा पुगेको छ। यस टोलीको भर्खरै जर्मनीको चर्चित फुटबल क्लबमा खेलिसकेका मनिष सुब्बाको असाधारण प्रदर्शनले सबैलाई फेरि चकित पारेको छ। पहिलो, दोस्रो अनि क्वार्टर फाइनलमा लगातार ह्याट्रिक गर्दै आफ्नो दललाई एकपछि अर्को जित हासिल गराइसकेका मनिष सुब्बाले आइतबार अवेरसम्म भएको सेमी फाइनल खेलमा पनि ह्याट्रिक सँगै अधिक गोल गरेका छन्। इलाम रेड हर्स अनि परिवर्तन दार्जिलिङ माझ भएको पहिलो सेमी फाइनल खेलको 10 सेकेन्ड नभई मनिष सुब्बा उदेक लाग्दो गोल छिराएर इलामका खेलाडीहरूलाई दबाउमा पारे। इलामका खेलाडीहरूले भरमग्दुर प्रयास गरे तापनि दार्जिलिङका मनिष सुब्बा एक्लैले 4 गोल गरेर परिवर्तन दार्जिलिङलाई फाइनलको टिकट कटाउन सफल बन्यो। संयुक्त मञ्च मिरिक मर्माको आयोजनामा सम्पन्न भइरहेको नगद राशि फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम खेला प्लेइङ 7 नेपाल अनि 160 दार्जिलिङ माझ सम्पन्न भयो, जसमा प्लेइङ 7 नेपाल विजयी बन्न पुग्यो। मिरिकको मर्म खेल मैदानमा आयोजित नगद राशि फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल खुबै रोमाञ्चक रह्यो। दार्जिलिङ टिए अनि प्लेइङ 7 माझ खेलेको फाइनल खेलको सुरुदेखि नै दुवै टोलीका खेलाडीहरूले विपक्षी नेटमा गोल छिराउने प्रयास गरेको देखियो। तथापि निर्धारित समयसम्म पनि दुवै टोलीका खेलाडीहरूले गोल गर्न सकेनन्। यसैले खेलको निर्णय ट्राइब्रेकर मार्फत गरियो, जसमा प्लेइङ 7 नेपालले दार्जिलिङ टिएलाई 3-2 गोलको व्यवधानमा पराजित गरेर ट्रफी हत्यायो। विजयी टोलीलाई 1 लाख नगद राशि सहित ट्रफी अनि उपविजेता टोलीलाई 50,000 नगद राशि सहित ट्रफी प्रदान गरियो। फाइनल खेलमा प्रमुख अतिथिका रूपमा मिरिक खण्ड विकास अधिकारी अमिताभ भट्टाचार्य, मिलेश राई उपस्थित थिए भने यस क्षेत्रमा पूर्व चर्चित खेलाडीहरू क्रमैले मोतीबहादुर सुब्बा, बिरमान तामाङ, विधान राई, कोविद देवान, वन्दना राई आदिलाई सम्वर्धना जनायो। यसै गरी यस अवसरमा स्थानीय मेधावी विद्यार्थीहरूलाई पनि पुरस्कृत गरियो। सम्पूर्ण उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमको ताजा न्युज अपडेट हेर्नका लागि उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमको लिडिङ एन्ड नम्बर 1 न्युज च्यानल एसके लाइभको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नको साथै बेल आइकन बटन दबाउन नभुल्नुहोस्। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई भने यति नै। अन्य समाचारहरू लिएर फेरि म हाजिर हुने नै छु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् अनि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।